संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीजें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अम्बेडकर साहब का, ये आजादी मिल रही है लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आजादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आजादी खतरे में पड़ी रहेगी। उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिज्ञा ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहां तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको लेकर के गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिलकर कहा तेजस्वी जी भले अगुवाई आज किसकी हो इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल्स, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में को मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं सभी लोग इसको स्वीकार करके हम पैमाने पर जो चीजें रपट वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज जाति गणना भारत के संसद के द्वारा स्वीकृत है और 2011 में गणना भी हुई। संयोग था कि इसको गणना के बाद उसके सारे पैमाने तय करने में 2.5 साल लग जाते हैं, तब तक आगे भाजपा के बहानेबाजी से क्या फायदा है? इस अब को अब क्यों आक्रोशित कर रहे हो? और किसी भी मुल्क का आक्रोश जब घनीभूत होता है, इसी तरह बीपी सिंह ने कहा था आंसू को बहने मत दो, ये आंसू किसी दिन तेजाब हो जाएंगे, लेकिन यह बड़ा बुरा होगा। मुल्क में कभी भी इस तरह से वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि भारत के सिवा कहीं दुनिया में यह है कि हम नहीं बता पाएंगे कि आप कितने हो, रहता वक्त क्या होता है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है? इसलिए मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है, हमारी प्रतिबद्धता है जो आपने इस मुल्क को राह दिया था हम उस राह पर चलते रहेंगे। अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होंगे, आज अच्छे परिणाम कौन है? हम तो बुरे परिणाम से बचने के लिए बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ही नहीं 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो गणना के बाद मालूम होगा, लोग हमने गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं, बिहार की पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहां लोग हैं। अब उसको नकारने का क्या सवाल है, बहाना बनाने का क्या सवाल है? होने जा रहा है जनगणना, एक कालम 29 बिंदुओं पर आप करोगे, 30वां बिंदु, और ये 30वां बिंदु नहीं है, यही भारत के वर्तमान और भविष्य को संतुष्ट करने वाला सबसे बड़ा बिंदु है। 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया तो नहीं हुआ, लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अम्बेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। देखो ना, एक पहले बड़ी समस्या है, आज ये समस्या सबसे बड़ी है, उनके दायित्व का हिस्सा है कि जहाँ की माइक्रो लेवल पर निचले स्तर पर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जब आ रही हैं जो सभी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जी चर्चा करते हुए तो है समस्या भ्रष्टाचार लापरवाही की, आम जनता के प्रति उदासीनता की जो प्रशासन का है। याद रख लीजिए उस दरबार में लोग जो बातों को कह रहे हैं तो आम लोग हैं, और आम लोग कह रहे हैं हे पटना बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग आपके नीचे की हुकूमत है बिल्कुल सुनने आपके जुड़े हैं। विपिन मंडल साहब क्या जयंती है और
विचार हम जब इसके चित्र के सामने खड़े होते हैं तो चित्र के नहीं चरित्र के सामने खड़े होते हैं, एक इतिहास के साथ खड़े होते हैं जो उसकी आज के समय में वह इतिहास वर्तमान को किस दिशा में ले जाने की कल्पना करता है। आज यह सबसे बड़ी सामयिक चीज है पूरे मुल्क में, बीपी मंडल जी और बीपी मंडल जी के अनुशंसाओं को लागू करने वाले बीपी और जिसके लिए हमारे संघर्ष करते रहे सदियों से लोग, उसको शब्द दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनकी समाजवादी पार्टी संसोपा ने बांधी था पिछड़ा भावी सौम्य साथ। यह बीपी मंडल साथ से शुरुआत नहीं हुई, हाँ उन्होंने उसको बिल्कुल लिपिबद्ध किया, जातियों की संख्या, उनकी जो स्थिति थी, सभी चीजों को, लेकिन केवल आरक्षण उनका विषय नहीं था। ये बड़े भ्रम में है मुल्क के लोग, उस कमीशन की अनेक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का एक मतलब किसी का हक छीनना नहीं, सदियों से जो अंतिम पायदान पर है उनको उठा करके कि राष्ट्र मजबूती के साथ दुनिया के विश्व के पैमाने पर खड़ा हो सके। जब कभी कभी कुतर्क लोग करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी आबादी को पीछे छोड़ करके, अशिक्षित रह करके, असमर्थ रह करके, लवारिस छोड़ करके, बिना किसी साधन के, बिना उनके मन और दिमाग को ऊपर उठाए कि राष्ट्र सबका है, यदि सबका राष्ट्र है तो सबको अवसर देना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम कि हम केवल नारों में विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए जो भी हमें त्याग करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं। राष्ट्र के सामने आज क्या सवाल है, जातीय गणना करा दो। कभी तो लोग कहते हैं ये जात है वो जात है ऐसा है, नीति मंडल साहब ने जातियों को बकायदा कैटेगराइज कर दिया, उनको तलाश नहीं करना है केवल संख्या बता दी। अभी ये जो तर्क देते हैं कि 10 निकले, 5 निकले, 6 निकले, नहीं, दिस इज अ सेटल्ड इशू बाय द नेशनल कमीशन। बीपी मंडल साहब के चेयरमैन से बना था तो उसके पहले भी डॉक्टर कालकर साहब का रिपोर्ट था, उसके लिए कुछ आगे नहीं किया। लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल केवल आरक्षण की बात नहीं, जातियों की गणना की, इतनी जातियां इस मुल्क में वो भी बता दिया, आप उसी की गणना करो ना, उसे अलग एक तारीख पे कहो। लालू जी तबियत खराब है, पर वो दिल्ली एम्स में गए हैं भैया, अभी तो पूरी देश की तबियत खराब है ना, देश की तबियत पर हम लोगों ने बात की। हाँ।